गाइज, अगर बात करूं शेयर बाजार की, तो शेयर बाजार में हर कोई आता है अपनी किस्मत को चमकाने। ऐसा थिंकिंग होता है, ऐसा माइंड होता है कि यहाँ पे आएंगे, पैसा लगाएंगे और करोड़पति हो जाएंगे। यानी जब हम सीख रहे होते हैं या फिर जब हम हर्षद मेहता वैका वेब सीरीज़ देख रहे होते हैं, जो स्कैम है 1992, तब एक अलग ही परसेप्शन माइंड में होता है स्टॉक मार्केट के बारे में रियलिटी। लेकिन एक्चुअल में दोस्त कुछ और है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, एक सिंगल स्टॉक के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ वो स्टॉक इस तरह का है कि अगर फटा, अगर चला तो बढ़िया पैसा दे सकता है, नुकसान के चांसेस बहुत कम है। और सिलेक्ट कैसे करना है स्टॉक को, सबसे बड़ी चीज़ आपको यहाँ पे वो सिखाएंगे, राइट। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, IIFL के डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिंक मिलते हैं। हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, आपको हम अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड करेंगे, जहाँ पे भर भर के आपको मोटिवेट किया जाता है, आपको सिखाया जाता है, कमाई के नए नए ऑप्शंस दिए जाते हैं। चलिए अभी बात करते हैं, मार्केट सामने लगा है। मार्केट में हम आए, आते ही हमने सोचा कि हम यहाँ पर 5,000 लगाएंगे, ट्रेडिंग करेंगे, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 50, 50 से 1 लाख, 10 लाख करोड़ रुपए बना लेंगे। लेकिन पहले दिन क्या होता है, 5,000 लगाते हैं और उसमें हमको हो जाता है 2,000 का नुकसान, या फिर पहले दिन हमें हो जाता है 2,000 का फ़ायदा। इन दोनों में से एक चीज़ होगा, अगर तो फ़ायदा हो जाता है तो हमारा मोटिवेशन और हाई हो जाता है, और दूसरे दिन हम लीवरेज लेके, लिमिट लेके, सब कुछ करके एकदम झोंक देते हैं पूरा। और होता क्या है, जो 7,000 हमारे पास था वो भी जाता है, और साथ में कई बार तो लोग नेकेड भी हो जाते हैं दूसरे बार में ही। अगर हमें पहले दिन लॉस लग गया है तो हम थोड़े अपने आप को मोटिवेट रखते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, एक दिन लॉस है, कल से थोड़ा थोड़ा काम करेंगे अपने लॉस को और कंट्रोल करेंगे, और फिर छोटे छोटे लॉस में इंसान करने लग जाता है। पहले दिन प्रॉफिट होता है तो हमने बताया कि एकदम अग्रेसिव हो जाता है, और अगर पहले दिन लॉस लग जाता है थोड़ा सा शांत भाव में काम कर लेता है, और शायद से वो होली होली करके ग्रो करने की कोशिश करता है और ग्रो भी होता है। लेकिन जब आप नए होते हो या इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हो, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, मार्केट एक ना एक दिन आपके पैसे को स्वाहा कर देती है, सब कुछ ख़त्म कर देती है। क्यों? क्योंकि बाजार नॉलेज चाहता है, बाजार कहता है अगर आपको नॉलेज है तभी आपको रिस्पेक्ट देंगे। यहाँ पे बाजार में, शेयर बाजार में इंट्राडे में ट्रेडिंग करने वाले 100 में से 95 लोग सिर्फ और 95% सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, नुकसान खाते हैं। 95% लोग नुकसान खाते हैं यहाँ पे, और जो 5% है सिर्फ वो ही कमा पाते हैं। तो ये 95% लोगों का पैसा कहाँ जाता है, वो जाता है इन 5% लोगों के पास। यानी जो कमाते हैं वो लाखों में कमाते हैं, और जो नुकसान करते हैं हजारों हजारों में, इनको ही दे डालते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के कारण होता है। आपको फुल नॉलेज नहीं है, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखिए, टाइम टू टाइम आपको नॉलेज मिलता रहेगा। लेकिन जो बिगनर्स हैं उनको मैं कहता हूँ, आप इन्वेस्टमेंट से अपना करियर स्टार्ट कीजिए, बाजार को समय दीजिए। एक बिजनेस को आप जितना समय देते हैं उतना समय बाजार भी मांगता है। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे लोग आ भी जाते हैं, समझ लीजिए आपने यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेट पे एक शेयर में इन्वेस्ट किया, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन देखते हैं वो तो बढ़ ही नहीं रहा है, यहाँ पे यहाँ रह गया, ये तो निफ्टी है, चलिए यहाँ रह गया, तो आप क्या करते हैं पर्टिकुलर स्टॉक को बेच देते हैं, और फिर दूसरे दिन से ये तेज़ी पकड़ लेता है, और फिर आप सोचते हैं यार गलती से बेच दिया, फिर यहाँ हाई पे बाय कर लेते हैं, फिर नीचे आता है तो आप उसको बेच देते हो पैनिक करके। आप फंडामेंटल स्टॉक पकड़िए, जो स्टॉक्स में आपको लग रहा है कि हाँ पैसा देगा। क्यों? क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं, उसका काम काज बड़ा है, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं उनके लिए स्टॉक सिलेक्शन सबसे आसान है। आपके आसपास जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जो लगातार अच्छे तरीके से क्वांटिटी में यूज़ हो रही है, पता है कि ये ब्रांड है, ये कंपनी कहीं नहीं जाने वाली, यानी उस सेक्टर के, अगर समझ लीजिए आपने केमिकल सेक्टर में गए तो केमिकल सेक्टर के दिग्गज को पकड़ लीजिए, FMCG में गए FMCG के दिग्गज को पकड़ लीजिए, और कुछ दिन उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप देखिए आपको हमेशा फ़र्क दिखेगा। ऐसी कंपनियाँ चाहे जितना मर्जी टूट जाए आपको प्लस में ही जाती है। निफ्टी की बात करेंगे, बाजार यहाँ से चला, एक हाई बना 6200 रुपये का, फिर नीचे डिप 2200 रुपये का। बहुत सारे लोग बोले होंगे 2200 रुपये अब तो बाजार कर रहा है, अब कभी ये हाई को नहीं तोड़ेगा, लेकिन ठीक इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाता है 9100 रुपये का, फिर एक डिप आता है। क्या 9100 नहीं तोड़ेगा? तोड़ेगा यार,
12,000-11,000 का हाई लगाया, 12,000 का लगाया, फिर कोविड आया और डिप लगाया 7500 पे। क्या ये 12,000 को नहीं तोड़ा, 12,000 को तोड़ के 15,500 भी गया। कुल मिला जुला के गेम है समय का, आपके पेशेंस लेवल का। अगर अच्छे स्टॉक्स के साथ आप समय देते हो, जो हमारा इन्वेस्टमेंट का टाइम होरिजन होता है मिनिमम 5 ईयर होता है, 5-5 साल का समय देते हो, तो बहुत बढ़िया यहाँ से आप पैसा बना सकते हो। अभी उस स्टॉक के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो स्टॉक के बारे में मैं आपसे यहाँ पर बात करने वाला हूँ। हर घर में इसका सामान यूज़ होता है, हर घर में। हिंदुस्तान यूनिलीवर, देखिए भाव 2300 रुपये, एक दिन का अगर चार्ट लगाएं, कंपनी लॉस दे रहा है। 5 दिन का चार्ट लगाएं, कंपनी लॉस दे रहा है। 1 महीने का चार्ट लगाएं, कंपनी लॉस दे रहा है। 6 महीने का चार्ट लगाएं, कंपनी लॉस दे रहा है। मतलब एक रेंज में कामकाज कर रहा है। जनवरी से अभी तक का देखें तो एक रेंज में कामकाज कर रहा है। 1 साल का भी लगाते हैं तो कुछ भी रिटर्न नहीं है, बल्कि अगर हम देखें कि फ्लैट है। 5 साल का लगाएंगे, हाँ हमें रिटर्न दिख गया। क्या मैंने कहा कि मिनिमम 5 साल मांगता है इन्वेस्टमेंट। 1 साल में शायद से आपको कुछ भी ना दिखे। देखिए 164% है, कौन सा बैंक देता है बता दो मुझे। 1 साल में आपको शायद से कुछ ना दिखे, 2 साल में, लेकिन लास्ट वाले साल में एकदम भयानक तेजी आ जाएगी। मैक्स का देखिए, एकदम शानदार रिटर्न, शानदार चार्ट, मज़ा आ रहा है देख के। देख रहे हो ना, एकदम मज़ा आ रहा है देख के। सॉरी, यहाँ से देखते हैं अपन ना कितने परसेंट का रिटर्न हुआ है। ये देखिए 1000% का रिटर्न कब से कब तक, 2000 से लगा लेते हैं, 2000 से लेके 2020 साल में 1000% का रिटर्न, सॉरी 1000% का रिटर्न, कितना बढ़िया रिटर्न है यहाँ पर देखिए। अब कई स्टॉक्स आप देखोगे कि एकदम 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 नॉर्मल चल रहे और एंड वाले टाइम में एकदम एकदम से तेज़ी आपको एकदम से जंप दिखाते, मतलब इस तरह से चलते हैं, इस तरह से काम करेंगे। 1 साल के बाद देखेंगे एकदम लंबा जंप आपको दिखा देंगे और 500% का रिटर्न एकदम से दे देंगे। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को मैं सिलेक्ट किया हूँ क्योंकि इसका कंसोलिडेशन फेज़ में है 1 साल से, और शायद से अब ये टाइम फिनिश होना चाहता है, ये टाइम ख़त्म होना चाहता है। यहाँ देखिए अगर मैं 2019 से अभी तक देखूँ तो सिर्फ 30% का रिटर्न नज़र आ रहा है। शायद से ये काम, ये टाइम ख़त्म होगा और एक बड़ा जंप हमें देखने को इसमें मिल सकता है। 2300 रुपये का स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर। हिंदुस्तान यूनिलीवर की कंपनी का सामान हर घर में यूज़ होता है, शायद से आपके घर में भी जरूर यूज़ होता होगा। कोई भी प्रोडक्ट इसका उठा के आप देखोगे, मतलब हर घर में यार ज़रूरी है। अगर आप अपने घर में भी चेक करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का यूज़ करते हो। आपको नीचे कमेंट करना है कि आपके घर में हिंदुस्तान यूनिलीवर का क्या प्रोडक्ट है, ठीक है ना, नीचे कमेंट कीजिए। स्टॉक को नज़र पे रखिए, बहुत ख़तरनाक स्टॉक है, बहुत कैंट स्टॉक है। अगर मैं यहाँ पर इसके कुछ फंडामेंटल्स आपको कीज दिखाऊँ फटाफट से, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर एकदम हाथी कंपनी है। 5,42,000 करोड़ की कंपनी, हाथी कंपनी, 71 का पी, 199 का बुक वैल्यू, बढ़िया डिविडेंड देने वाली कंपनी, आरओसी बढ़िया ख़तरनाक 117% का, आरओई भी बढ़िया ख़तरनाक, फूड, पर्सनल केयर, स्किन केयर, डिटर्जेंट विटर्जेंट सब में है। नीचे कमेंट कर दीजिए, हर एक बंदा कमेंट करे, मैं चाहता हूँ पता लगेगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास कितना प्रोडक्ट है। एकदम डेट फ्री कंपनी, कर्जे का नामो निशान नहीं, खतरनाक धमाकेदार कंपनी। इस कंपनी में आप अपना पैसा लगाइए, सेफ रहेगा, बढ़िया रहेगा। 61% प्रमोटर्स के पास है, FIs ने 14% लिया है, DIs ने 10% लिया, पब्लिक के पास सिर्फ 12%। क्यों? ऐसी कंपनीज में हम ध्यान नहीं देते। हम कैसे में ध्यान देते हैं भैया? हम ध्यान देते हैं ऊर्जा ग्लोबल में। एक ना एक दिन हमें ज़रूर करोड़पति बनाएगा, ये बनाए या ना बनाए पता नहीं, लेकिन वो ज़रूर बना देगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर ज़रूर बना देगा, ये बनाए या ना बनाए मुझे नहीं पता। अभी होप करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव मिली होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम ज्ञान की बातें बहुत किए हैं और स्टॉक से रिलेटेड बातें कम किए हैं। जो सच में बाजार में कुछ बनना चाहता है ना, उसको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा और वो लाइक बटन को प्रेस भी कर दिया होगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।